2021 का 38 नंबर जो मैच होने वाला है वो किस किस के साथ होने वाला है, वो होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और ये दो जो टीम है ना वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है और चेन्नई तो लगभग पहुंच ही गया है क्वालिफाई और सिर्फ मतलब कुछ मैचेस का देरी है, लेकिन कोलकाता जैसा खेल रहा है ना मतलब क्या बताए, वो एक एक मैच ऐसे जीत रहा है कि उनका मतलब क्या होता है, मतलब वो किसी को भी जो कोई भी आ जाए रास्ते में उनको ही उखाड़ फेंकेगा और मैच को जीत लेंगे, ऐसा कुछ उनका हाव भाव है। और बहुत ही बढ़िया कर रहा है केकेआर इस रीसेंट टाइम में और बेकॉफ खेल रहा है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है केकेआर के बारे में अगर बोला जाए तो। और चेन्नई तो है ही, मतलब बताए दो कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इस मैच में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारा नया नया टॉपिक भी आप लोगों को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेड टू हेड ये दो टीम कितना बार भिड़ा था और कौन सा टीम का हेड टू हेड स्टैटिस्टिक में पल्ला भारी है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि ये मैच कौन से रेट में कौन से टाइम और कौन से वेन्यू में खेला जाएगा, और उसके बाद मैं दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 डिस्कस करूंगा, और उसके बाद प्लेइंग 11 को बेस करके कंपैरिजन करूंगा और कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा टीम इस मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। और मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं करते हो आप लोग, मतलब मुझे पता नहीं है कि इतना बढ़िया कॉन्टेंट क्रिएट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकली, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दो जो टीम है ना चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, ये दो टीम आपस में टोटल मैच खेला था 24 मैच और उनमें से सीएसके जीत हासिल किया था 15 मैचेस में और केकेआर जीता था सिर्फ और सिर्फ 8 मैच, मतलब इनमें से ही पता चलता है कि दबदबा सीएसके का भारी रहा है। और अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स की, तो लास्ट 3 इयर्स का जो स्टैटिस्टिक है ना वो और भी डरावना है, वो आप देखिए लास्ट 3 इयर्स के 5 मैचेस में सीएसके जीत हासिल किया था 4 दफा और केकेआर सिर्फ और सिर्फ 1 दफा जीता था। लेकिन आप लोग ही बताइए कि करंट सिचुएशन में किसका पल्ला भारी है, और स्टैटिस्टिकली तो मैं बता ही दिया कि किसका पल्ला भारी है, तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए, बताइए अभी के अभी कि कौन सा टीम जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकते हैं वो भी बताइए, और मैं लास्ट में जाकर बताऊंगा, तो जरूर से कमेंट कीजिए। तो उसके बाद अगर बात करें कि ये मैच कौन से डेट में कौन से टाइम में कौन से वेन्यू में खेला जाने वाला है, तो आप देखिए ये मैच आईपीएल का 38 नंबर मैच होने वाला है और ये मैच 26 सितंबर जो कि संडे है 3:30 बजे से खेला जाने वाला है, जो कि डबल हेडर का मैच होगा और ये मैच अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो अबू धाबी का जो ग्राउंड है ना वो बेसिकली 170 है उसका एवरेज स्कोर, मतलब अगर आप 170 बना लेते हैं तो उस मतलब रन में आप मैच जीत भी सकते हैं, मैच हार भी सकते हैं। तो आप लगता है कि जो भी पहले बल्लेबाजी करेगा ना उनको 190 तो बनाना ही पड़ेगा अगर जीतना हो तो। तो देखिए दोनों टीमों का ही बैटिंग डेप्थ ना बहुत ही बढ़िया है। तो अब देखिए अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर हम सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के बारे में बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेइंग 11 कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए कोई भी चेंजेस मैं नहीं किया हूँ, एकदम सही प्लेइंग 11 है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ फैफ डुप्लेसी ओपन करने वाला है, तीसरे नंबर पर मोहिन अली, 4 नंबर पे सुरेश रायना, 5 नंबर पे अंबती रायडू, 6 नंबर पे एमएल धोनी, 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पे ड्वेन ब्रावो, 9 नंबर पे शार्दुल ठाकुर, 10 नंबर पे दीपक चहर और लास्ट 11 नंबर पे जॉस हेजलवुड। ये चेन्नई का मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 होने वाला है। देखिए धोनी अपने टीम में ना ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, मतलब वो एक कॉम्बिनेशन को लेकर चलता है और वही सक्सेस कर जाता है, तो मुझे लगता है कि चेंजेस नहीं होगा, अच्छा खासा प्लेइंग 11 है। और आप लोग भी बताइए कि आपके मुताबिक क्या सैम करन को वापसी करवाना चाहिए, वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए। और अगर सैम करन का वापसी होता है ना तो जॉस हेजलवुड के जगह पर ही एकमात्र हो सकता है, तो जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं कि सैम करन को आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मैच होने वाला है, इस मैच में केकेआर का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, देखिए केकेआर अपना विजय रथ पर सवार है, तो उनका प्लेइंग 11 में भी चेंजेस का कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ब्रैंडन मैक्कलम भाई साहब एक मतलब बात बताया था कि ब्रैंडन मैक्कलम तो नहीं बताया था, मतलब हमारा जो केकेआर का कप्तान है यॉन मॉर्गन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताया था कि हम एज लाइक ब्रैंडन मैक्कलम का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, इसमें कोई भी दोराय नहीं है कि आएंगे और उठाएंगे और
बॉल को बाहर निकालेंगे, मतलब ऐसा कुछ रूल रहेगा उनका इस मतलब जो सेकंड फेज का आईपीएल होने वाला है वहां पर। तो देखिए धमाकेदार मैच होने वाला है और प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो आप देखिए। सबसे पहले केकेआर को उसे ओपन करने वाला है, नो डाउट, ये बंदा तो भाई क्या बताए, वेंकटेश अय्यर के साथ शुभमन गिल। उसके बाद तीसरे नंबर पे राहुल त्रिपाठी, चार नंबर पे नीतीश राणा, पांच नंबर पे यॉन मॉर्गन, छह नंबर पे एंड्रे रसेल, सात नंबर पे दिनेश कार्तिक, आठ नंबर पे सुनील नारिन, नौ नंबर पे लॉको फर्गुसन, दस नंबर पे वरुण चक्रवर्ती, लास्टली ग्यारह नंबर पे प्रसिद्ध कृष्णा। यही मोस्ट प्रोबेबली केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट करें और बताइए, क्योंकि आपका राय सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और केकेआर की टीम में मुझे नहीं लगता है कोई भी चेंजेस का जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों टीमों का कॉम्पिटिशन क्या हो सकता है, तो देखिए कॉम्पिटिशन की अगर बात करें तो ओपनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएसके को ओपन करने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ फैफ डुप्लेसिस, जो कि बढ़िया फॉर्म से जा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ तो भाई बहुत ही बढ़िया और आला किस्म का एक फॉर्म से जा रहा है। और वैसा ही अगर हम केकेआर की बात करें ना, तो केकेआर के ओर से वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल तो तबाही कर रहा है, मतलब हर मैच में आता है और मतलब पावर प्ले, मतलब पूरा पावर प्ले का जो एडवांटेज है ना उनको मतलब पूरा एकदम ग्रैब कर लेते हैं। तो केकेआर के ओर से मुझे लगता है कि एक ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो सकता है इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन से, और मुझे लगता है कि इसी वजह से केकेआर का पल्ला ओपनिंग में मैं थोड़ा सा भारी कर दूंगा और केकेआर को ओपनिंग मतलब पेयर में जितवा दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में सिल्स के ओर से खेलने वाला है कौन कौन सा खिलाड़ी, मोइन अली, सुरेश रैना और अंबती रायडू। और वैसा ही केकेआर के ओर से खेलने वाले कौन कौन से खिलाड़ी, देखिए राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा और यॉन मॉर्गन। मैं एक बात बताता हूँ कि नीतीश राणा को पिछले मैच में भी वो लोग पहले नहीं भेजा है, तो नीतीश राणा का फॉर्म कैसा है, कैसा टच में है वो अभी तक नहीं पता है। तो अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल कॉम्पिटिशन करते हैं, मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पास ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी है और दोनों टीमों के पास ही मैच विनिंग कैपेबिलिटी वाला प्लेयर है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि टाई हो सकता है मिडिल ऑर्डर में। एज यूजुअल आप क्या बताएं वो जरूर से कॉमेंट करके बताइए कि आप लोगों के मुताबिक क्या लगता है कि कौन सा टीम का पल्ला मिडिल ऑर्डर में भारी है, वो जरूर से कॉमेंट कीजिए बताइए, लेकिन मुझे तो लगता है कि टाई हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर मिडिल ऑर्डर की, तो लोअर मिडिल ऑर्डर में सीएसके की ओर से खेलने वाले कौन कौन से खिलाड़ी, देखिए एम एस धोनी खेलने वाला है, रविंद्र जडेजा खेलने वाला है, उसके बाद ड्वेन ब्रावो और शार्दुल ठाकुर भी अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकता है। और अगर हम बात करें केकेआर की ओर से, तो केकेआर की ओर से लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला है कौन कौन से खिलाड़ी, एंड्रे रसेल, दिनेश कार्तिक और सुनील नारिन। तो देखिए इस अगर विभाग की बात करें ना, तो दोनों टीमों के पास ही बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी क्रम है। तो मुझे लगता है कि अगर एक एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी देखे ना, तो देखिए एंड्रे रसेल जो है वो ब्रावो के साथ अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे सकता है, लेकिन दोनों का ही टाई हो सकता है। और दिनेश कार्तिक का अभी तक नहीं देखा है कि क्या वो खेल सकता है। और अगर हम बात करें इधर रविंद्र जडेजा को, तो रविंद्र जडेजा भी बहुत ही बढ़िया टच में है, मुझे तो लगता है इसमें कोई भी दौरा ही नहीं है। और अगर हम बात करें शार्दुल ठाकुर और एम एस धोनी के साथ सुनील नारिन का, तो मुझे लगता है कि इस विभाग में नो डाउट सीस का पल्ला थोड़ा सा भारी रह सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एम एस धोनी एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो कि किसी भी दिन अच्छा कर सकता है, मुझे तो लगता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या रहा है जरूर से कॉमेंट कीजिए बताइए, और मुझे लगता है कि सीस का पल्ला इस विभाग में भारी रह सकता है। उसके बाद अगर हम स्पिनिंग अटैक की बात करें, तो स्पिनिंग अटैक में सीएस के ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है रविंद्र जडेजा और मोइन अली, और वैसा ही केकेआर की ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है वरुण चक्रवर्ती और उसके साथ सुनील नारिन, और नीतीश राणा भी एक दो बार बॉलिंग कर देगा। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पल्ला केकेआर का भारी रहेगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है ना वो बहुत ही आला किस्म का एक फॉर्म से जा रहा है, और ये हमारे इंडियन फैंस के लिए भी एक मतलब सुकून देने वाला विषय है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में आए तो वर्ल्ड कप में भी वो धमाल करेगा। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में थोड़ा सा पल्ला केकेआर के ओर झुकेगा। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट बॉलिंग अटैक की बात करें, तो फर्स्ट बॉलिंग अटैक में केकेआर के ओर से फर्स्ट बॉलिंग करने वाला है लॉकी फर्गुसन, उसके साथ प्रसिद्ध कृष्णा और एंड्रे रसेल भी फुल चार ओवर बॉलिंग कर सकेगा। और उसके बाद अगर हम देखें सीएसके की ओर, तो सीएसके की ओर से फर्स्ट बॉलिंग करने वाला है जॉस हेजलवुड, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर। तो इस विभाग में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पल्ला ना सीएसके की ओर झुक रहा है, क्योंकि सीएसके के पास क्वालिटी फर्स्ट बॉलिंग अटैक है। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में सीएसके का पल्ला ही भारी रहने वाला है। और अगर हम ओवरऑल देखें, तो ओवरऑल में ओपनिंग विभाग में केकेआर जीत हासिल किया है, मिडिल ऑर्डर में टाई हो गया है, लोअर मिडिल ऑर्डर में सीएसके जीत हासिल किया है, और स्पिनिंग अटैक में केकेआर जीत हासिल किया है, और फर्स्ट बॉलिंग अटैक में भी सीएसके का पल्ला भारी रहा है। तो इस कॉम्पिटिशन में आप देख ही सकते हैं कि 50-50 चांसेस दिख रहा है, मतलब अभी का जो करेंट फॉर्म है ना उसके हिसाब से 50-50 चांसेस दिख रहा है। तो आप लोग जरूर से कॉमेंट कीजिए
बताइए कि कौन सा टीम इस मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है, और अगर मैं बताऊं कि कौन सा टीम जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है, तो देखिए केकेआर जैसा फ्लो से जा रहा है ना, एक टीम अगर उनको डिफीट कर सकता है तो वो है सीएसके, क्योंकि सीएसके के बाद जो जो टीम आएगा ना वो सीएसके से मतलब थोड़ा सा कम रेटेड टीम होगा। तो सीएसके ही एकमात्र ऐसा टीम है जो कि केकेआर को शिकस्त दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर चांसेस रहता है तो सीएसके 51% और केकेआर 49% इस मैच को आगे पीछे रहने वाला है, और मुझे लगता है कि सीएसके का पल्ला ही थोड़ा सा भारी रहेगा, क्योंकि एमएस धोनी इस टीम में है और ग्राउंड भी इतना छोटा भी नहीं है कि मारेगा तो बॉल बाहर ही जाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि केकेआर का पल्ला थोड़ा सा कम भारी रहेगा और इस मैच को सीएसके थोड़ा सा जीतने का चांसेस ज्यादा है। तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए, बताइए कि आपके मुताबिक कौन सा टीम का पल्ला भारी रहेगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता दीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मैच को एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।